हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द एग्री आई क्यू सो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में स्टैटिक्स का 2021 टू 22 में आए हुए पेपर का पार्ट ए एंड पार्ट बी सॉल्व किया था इस वीडियो में हम लोग स्टैटिकस्टिक्स का पार्ट सी एंड पार्ट डी सॉल्व करने वाले हैं लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगेन आई रिक्वेस्ट टू यू प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल शेयर इट विद यर फ्रेंड्स एंड लाइक टू माई वीडियोज़ थैंक यू सो मच स्टार्ट करते हैं पार्ट सी से पार्ट सी में हमारा पहला क्वेश्चन है राइट मेरिट एंड डी मेरिट ऑफ एरिथमेटिक मीन जो एरिथमेटिक मीन हैं इसके मेरिट्स क्या होते हैं और डी मेरिट्स क्या होते हैं है ना इस चीज़ को हमको बताना है सो so, देखते हैं एक एक करके पहले मेरिट मेरिट में इट इज इस्ट्रेट फॉरवर्ड टू कैलकुलेट द कैलकुलेट एंड कंप्रिहड इट इज़ फॉर दिस रीज़न दैट इट इज़ द मोस्ट वाइडली यूज सेंट्रल टेंडेंसी मज़र every time has an impact because it includes in the calculation the result remain the same since the mathematical formula is rigid when repeated samples are gathered from the same population fluctuations are minimal for this measure of central tendency unlike other measures like as mode and median it can be subjected to algebraic treatment am has an advantage in that it is calculated quantity that is not depending on the order of terms in a series. due to this strict definition, it is most mostly used to compare issues. merits क्या कहें कि ये कि straight forward method है, है ना इसको हम लोग calculate easily कर सकते हैं, है ना इसीलिए most used central tendency का measure है. हर बार जब हम लोग इससे मेज़र करते हैं ठीक है तो इसमें कैलकुलेशन रिक्वायर्ड होता है जिसका रिजल्ट है ये मैथमेटिकल फार्मूला पे बेस्ड है इसका मतलब कि एक रिजिड है ठीक फ्लक्चुएशंस नहीं होते हैं इसमें अल्जेब्रिक ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड होता है जो एरिथमेटिक मीन है वो दूसरे टर्म्स पे और सर्विसेज पे डिपेंड नहीं करता है और स्ट्रिक्ट डेफिनेशन कारण इसमें कोई भी कंपेयर इशू नहीं होता है ठीक है डी क्या हैं इट कैन नॉट बी लोकेटेड ग्राफिकली ग्राफिकली इसको रोकेट हम लोग नहीं कर सकते ठीक अगर इनमें तीन टर्म्स आते हैं तो हमको उन तीनों टर्म को कंपेयर करके लिखना है थर्ड है अगर जो फ्रीक्वेंसी है ये रेगुलरली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो ये यूजफुल होगा वरना नहीं होगा ठीक है अगर ओपन क्लास इंटरवल है तो जो बाउंड्रीज हैं वो मिड और मीडियम मोड मीडियम से बाउंडेड नहीं होती हैं ठीक है न्यूमेरिकली इसमें हम लोग कैलकुलेट नहीं स्टेट कर सकते क्वालिटी भी यूज़ होता है ठीक है मोड एंड मीडियन को सिर्फ हम लोग इंस्पेक्ट नहीं कर सकते ये सब इसके डिमेरिट्स हैं फिर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू जो कि है डिफाइन टाइप वन एंड टाइप टू एरर टाइप वन एरर क्या होता है और टाइप टू एरर क्या होता है ना सो so देखते हैं अ टाइप वन एरर फॉल्स पॉजिटिव अकर्स इफ एन इन्वेस्टिगेटर रिजेक्ट्स अ नल हाइपोथिस दैट इज एक्चुअली ट्रू इन द पॉपुलेशन अ टाइप टू एरर फॉल्स नेगेटिव अकर्स इफ द इन्वेस्टिगेटर फेल्स टू रिजेक्ट अ नल हाइपोथिस दैट इज एक्चुअली फॉल्स इन द पॉपुलेशन सो so, क्या है पहले तो कि टाइप वन को हम लोग क्या बोलते हैं फॉल्स पॉजिटिव और टाइप टू को फॉल्स नेगेटिव ठीक है तो अगर एक इन्वेस्टिगेटर नल हैपोथेसिस को रिजेक्ट कर देता है तब तो हम लोग उसको बोलते हैं टाइप वन एरर ठीक है और अगर एक इन्वेस्टिगेटर नल हैपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं कर पाता तब तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं टाइप टू एरर फिर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड जो कि है व्हाट आर द सैंपल ओवर कंप्लीट इन इस क्वेश्चन में एडवांटेज इस क्वेश्चन में एडवांटेज मेंशन करना छूट गया है ना इसमें आपको पूछा गया है कि जो सैंपल ओवर कंप्लीट इनमरेशन है उसका एडवांटेज क्या क्या है तो उसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं सबसे पहले लेस टाइम कंज्यूमिंग लेस कॉस्ट ग्रेटर स्कोप मोर डिटेल इन्फॉर्मेशन हम लोग को कॉस्ट कम लगता है है ना टाइम कंज्यूमिंग नहीं है ये स्कोप ज़्यादा है और इंफॉर्मेशन ज़्यादा डिटेल में हमको मिलता है ठीक है जो डिटेल्स हैं वो आपको मैंशन करने हैं नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर फोर्थ जो कि है स्टेट द प्रॉपर्टीज़ एंड यूज ऑफ ट्री डिस्ट्रीब्यूशन जो टी डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी प्रॉपर्टीज और यूजेस को आपको बताना है तो टी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में तो हमने पार्ट बी में भी पढ़ा था है ना तो टी डिस्ट्रीब्यूशन है क्या द टी डिस्ट्रीब्यूशन ऑल्सो नोन एज स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन इज अ टाइप ऑफ प्रोबैब लिटी डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज सिमिलर टू द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद इट्स बेल शेप बट हेज़ हैवियर टिल इट इज़ यूज फॉर एस्टिमेटिंग पॉपुलेशन पैरामीटर फॉर स्मॉल सैम्पल साइज और अन नोन वेरियंट्स जो टी डिस्ट्रीब्यूशन है है ना इसको हम लोग स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं ये एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का टाइप है जो कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह है इसमें जो इसका बेल शेप होता है है ना और टेल्स बने हुए रहते हैं इसमें हम लोग पॉपुलेशन का मेज़र करते हैं और इसको यूज़ क्यों करते हैं तो पॉपुलेशन की जो पैरामीटर्स हैं एक स्मॉल सैम्पल को लेके जो अन वेरियंट्स है उसको मेज़र करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं इसका सेप कैसा होता है जैसे कि ये हमारा ग्राफ है ये बना हुआ रहता है ऐसी इसको बोला गया है टेल्स और ये हमारा बेल शेप है ना फिर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर फिफ्थ जो कि है व्हाट इज दाइ स्क्वायर टेस्ट ऑफ़ गुडनेस ऑफ फिट जो काई स्क्वायर गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट है वो क्या होता है तो ये क्या है द काई स्क्वायर गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट इज स्टैटिकल हाइपोथेसिस टेस्ट यूज टू डिटरमाइन वेदर अ वेरिएबल इज लाइकली टू कम फ्रॉम अ स्पेसिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन और नॉट इट इज़ ओफन यूज टू एवेलुएट वेदर सैम्पल्स डाटा इज़ रिप्रजेंटेटिव ऑफ द फुल पॉपुलेशन काई स्क्वायर टेस्ट है क्या तो ये एक स्टेटिकल है है ना जिससे हम लोग जो हमारा स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन है उसको डिटरमाइन करने के लिए यूज़ करते हैं ठीक फिर बोला गया है राइट डाउन अनोवा टेबल फॉर वन वे क्लासिफिकेशन वन वे क्लासिफिकेशन के लिए आपको एनोवा टेबल मेंशन करना है तो मैंने यहाँ पे आपको बताया सबसे पहले आपको क्या मज़र करना है सॉरी क्या मेंशन करना है दो सोर्स ऑफ वेरिएशन है फिर डिग्री ऑफ़ फ्रीडम सम ऑफ स्क्वायर्स मीन स्क्वायर और वेरिएशन रेशियो जिसको ऐप से डिनोट किया जाता है फिर आपको एप्लीकेशन ले लेने हैं है ना मतलब जो आपका ट्रीटमेंट है जैसे कि लेवल ऑफ फैक्टर के बीच में और लेवल और फैक्टर के इन ठीक है एरर मेंशन करना है और टोटल मेंशन करना है तो ये है आपका वन वे क्लासिफिकेशन एनोवा टेबल फिर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेवेंथ जो कि है गिव द मेरिट एंड डी मेरिट ऑफ प्राइमरी डाटा प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा होते क्या हैं इस बारे में आपने पार्ट बी में पढ़ लिया है, है ना इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि जो प्राइमरी डाटा है उसके मेरिट्स क्या हैं और डीमेरिट्स क्या हैं सो so, देखते हैं <coughs> मेरिट में क्या है डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज़ क्वाइट हाई इट डज नॉट रिक्वायर एक्स्ट्रा क्वेश्चन इट डिपिक्ट्स द डाटा इन ग्रेट डिटेल प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा कलेक्शन फ्रीक्वेंटली इंक्लूड्स डेफिनेशन ऑफ वेरियस एंड यूनिट यूज फॉर सम इन्वेस्टिगेशंस सेकेंडरी डाटा आर नॉट अवेलेबल जो प्राइमरी पहले मेरिट देखते हैं तो जो प्राइमरी डाटा है क्योंकि हम लोग ख़ुद से कैलकुलेट करते हैं या ख़ुद से रिसर्च करते हैं जो इसकी एक्यूरेसी है वो हाई होती है इसमें ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है इसमें बहुत डिटेल से काम किया हुआ रहता है ठीक और कुछ ऐसे रिसर्च होते हैं जिनके लिए सेकेंडरी डाटा अवेलेबल नहीं होता है तो वहाँ पे प्राइमरी डाटा ही काम आता है डी जब हम लोग देखते हैं तो क्या क्या है कलेक्शन ऑफ डाटा रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ फाइनेंस इन सम इंक्वायरीज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कलेक्ट प्राइमरी डाटा इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ लेबर इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ स्किल डीमेरिट में क्या क्या है कि इसका जो कलेक्शन है इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए ठीक बहुत ज़्यादा इनकम मतलब कैश फ्लो होता है फ़ाइनेंस चाहिए होता है कुछ ऐसे इंक्वायरीज होते हैं जहाँ पे प्राइमरी डेटा कलेक्ट नहीं किया जा सकता सेकेंडरी डेटा ही काम आते हैं लेबर की ज़रूरत पड़ती है और बहुत ज़्यादा स्किल की ज़रूरत पड़ती है ठीक है फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर एट जो कि है डिस्टिंगज बिटवीन एक्सक्लूसिव एंड इंक्लूसिव क्लास इंटरवल विद सूटेबल एग्ज़ाम्पल एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव जो क्लास इंटरवल्स हैं इनके बीच में डिफरेंस बताना है ठीक है तो पहले हम लोग देखते हैं इंक्लूसिव मेथड तो ये क्या होता है द इंक्लूसिव मेथड मैथड नॉट एक्सक्लूड द अपर क्लास लिमिट इन अ क्लास इंटरवल इट इंक्लूड्स द अपर क्लास इन अ क्लास बोथ क्लास लिमिट्स आर पार्ट ऑफ क्लास इंटरवल दैट इज द क्लास द्लासर इलेवन टू फिफ्टीन एंड सो ऑन आर इंक्लूसिव इंक्लूसिव में क्या होता है जो अपर लिमिट होता है उसको ये नहीं छोड़ता है है ना इसमें जो अपर क्लास है ठीक वो दोनों क्या रहते हैं इंक्लूडेड रहते हैं और कंटिन्यूएशन में रहते हैं दोनों ही क्लास उस क्लास इंटरवल का पार्ट होता है जैसे कि छः और दस तो छः और दस इसमें छूटा नहीं है वो दोनों भी इंक्लूडेड है फिर हम लोग टेन क्योंकि इसमें इंक्लूड कर लिए तो हम लोग अगला कहाँ से स्टार्ट करेंगे इलेवन टू फिफ्टीन और ऐसे ही जैसे कि फिर स्टार्ट करेंगे हम लोग सिक्सटीन टू ट्वेंटी फिर कर दे फिर कर सकते हैं ट्वेंटी वन टू ट्वेंटी फ़ाइव ऐसे ठीक है तो ये हुआ इंक्लूसिव in, फिर हम लोग बात करते हैं एक्सक्लूसिव की तो एक्सक्लूसिव में क्या होता है इज़ दैट सीरीज इन विच द अपर लिमिट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन दैट क्लास एंड इज़ इंक्लूडेड इन अपकमिंग क्लास द एक्सक्लूसिव सीरीज इज़ अ टाइप ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज फॉर एग्जाम्पल जीरो टू वन वन टेन वन वन टेन टू वन ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू वन थर्टी एंड सो ऑन वी कैन सी द अपर लिमिट ऑफ द क्लास इज इंक्लूडेड इन द नेक्स्ट क्लास इंटरवल एक्सक्लूसिव सीरीज में क्या होते हैं कि जो अपर लिमिट है उसको इंक्लूड नहीं करते हैं हम लोग है ना जो अपकमिंग क्लास है उसमें जैसे कि ये कंटिन्यूएशन सीरीज़ बना हुआ रहता है एग्जाम्पल के लिए अगर स्टार्ट करते हैं जीरो से हमने अगर ले लिया वन वन टेन से तो अगला स्टार्ट करेंगे हम लोग वन वन टेन से वन ट्वेंटी फिर स्टार्ट करेंगे वन ट्वेंटी टू वन थर्टी वन थर्टी टू वन फोर्टी ऐसे करके कंटिन्यूड रहेगा ठीक है फिर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर नाइन्थ जो कि है व्हाट आर द डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ़ अ गुड मेजर ऑफ सेंटर ऑफ़ टेंडेंसी जो गुड सेंटर ऑफ टेंडेंसी के जो गुड मेज़र्स हैं है ना उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है तो देखते हैं हम लोग इट इज़ बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ डेटा इट शुड बी सब्जेक्ट टू फर्दर मैथमेटिकल कैलकुलेशन इट शुड बी लीस्ट अफेक्टेड बाई फ्लक्चुएशन ऑफ सैम्पलिंग इट शुड बी सिंपल एंड ईजी टू कैलकुलेट इट शुड नॉट बी अफेक्टेड बाई एक्सट्रीम वैल्यूज़ क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए तो जो डेटा की वैल्यूज़ हैं उन पे बेस्ड होना चाहिए जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है उनका मैटर होना चाहिए जो फ्लक्चुएशन होते हैं सैम्पलिंग में उससे आधा अफेक्ट नहीं होना चाहिए कैलकुलेट करने के लिए बहुत सिंपल और इजी होना चाहिए और जो एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं उनसे अफेक्टेड नहीं होना चाहिए ठीक है नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर टेंथ क्वेश्चन नंबर टेंथ क्या है डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड मेजर ऑफ डिस्पर्सन जो डिस्पर्सन की गुड मेजर्स हैं ना उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए ये आंसर क्वेश्चन मिस प्लेसड है ना क्वेश्चन नंबर टेंथ का आंसर ऊपर है क्वेश्चन नंबर इलेवेंथ का आंसर टेंथ के प्लेस में ठीक है so, सो डिस्पर्सन के लिए क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए इट्स शुड इजी टू कैलकुलेट एंड सिंपल टू अंडरस्टैंड इट शुड बी बेस्ड ऑन द ऑल द ऑब्जर्वेशन ऑफ द सीरीज इट शुड बी रिजिडली डिफाइंड इट शुड नॉट बी अफेक्टेड बाई एक्सट्रीम वैल्यूज इट शुड नॉट बी अन अफेक्टेड बाई सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए कि ये कैलकुलेशन के लिए इजी होना चाहिए हमारे समझने के लिए सिंपल होना चाहिए जो सीरीज़ हैं उनके सारे ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होना चाहिए एक रिजिडली डिफाइंड होना चाहिए जो एक्सट्रीम वैल्यूज है उनसे अफेक्ट नहीं होना चाहिए और फ्लक्चुएशन से इसको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए फिर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर इलेवेंथ जो कि है वट इज़ को एफिशियंट ऑफ वेरिएशन वट पर्पज डज इट सर जो को एफिशियंट ऑफ वेरिएशन है वो क्या होता है उसकी क्या पर्पज़ होती है है ना तो कोअफिशेंट ऑफ वेरिएशन जिसको हम लोग सी बी से डिनोट करते हैं इज़ अ रिलेटिव मेजर ऑफ़ वेरिएबिलिटी दैट इंडिकेट्स द साइज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इन रिलेशन टू इट्स मीन इट इज़ अ स्टैंडर्डाइज यूनिटलेस मेज़र दैट अलाउज़ यू टू कंपेयर वेरिएबिलिटी बिटवीन डिस्परेट ग्रुप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक जो कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन है ये क्या है तो ये एक रिलेटिव मेज़र है जिससे हम लोग वेरिएबिलिटी को मेज़र करते हैं जैसे कि स्टैंडर्ड डेविएशन का जो साइज होता है है ना जो उसकी मीन से जो उसका रिलेशन है उस पर ये डिपेंडेड होता है ये क्या है ये एक यूनिटलेश मेज़र होता है जो हमको जो वेरिएबिलिटी है उसको कंपेयर करने के लिए हेल्प करता है ठीक है नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व पार्ट सी का लास्ट क्वेश्चन जो कि है वाई देर आर टू रिग्रेशन लाइन्स रिग्रेशन के दो लाइन्स क्यों होते हैं तो रीज़न देखते हैं हम लोग द रीज़न वाई देर आर टू रिग्रेशन लाइन इज दैट सिंपल रिग्रेशन एनालिस इट इज़ यूज वैन देर इज़ ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड वन डिपेंडेंट वेरिएबल हाव एवर वैन देर आर टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल वन डिपेंडेंट वेरिएबल मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस इज यूज तो दो रिग्रेशन लाइंस क्यों होते हैं क्योंकि जब सिंपल रिग्रेशन एनालिसिस हम लोग करते हैं कब कर पाते हैं जब एक ही इंडिपेंडेंट और एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल रहता है लेकिन जब अगर दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं है ना या फिर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास दो हैं तो हमको क्योंकि वो फ्लक्चुएट होते रहते हैं इसलिए दो रिग्रेशन लाइन ताकि सेम टाइम पर दोनों जो आ, जो दोनों वेरिएबल्स हैं उनका पोजिशन पता चल पाए इसीलिए दो इंडिपेंडेंट लाइन यूज़ होते हैं मतलब कि दो रिग्रेशन लाइन यूज होते हैं क्लियर है अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्ट डी पार्ट डी में हमारा पहला क्वेश्चन है डिफाइन कोरिलेशन कोफिशियन एंड राइट इट प्रॉपर्टीज को रिलेशन कोफिशियन क्या होते हैं और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं सो so, देखते हैं को रिलेशन कोफिशियंट इज़ अ स्टैटिकल मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल कोरिलेशन रिलेशन क्या होता है तो दो वेरिएबल के बीच में एक लीनियर रिलेशनशिप का स्ट्रेंथ की जो मेज़र है है ना स्टैटिकल मेज़र है वो होता है हमारा कोरिलेशन कोएफिशिएंट है और इसके प्रॉपर्टीज़ क्या हैं तो इट्स वैल्यूज कैन रेंज फ्रॉम माइनस वन टू वन अ कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ माइनस वन डिस्क्राइब अ परफेक्ट नेगेटिव और इनवर्स कोरिलेशन

जो एक को रिलेशन होता है माइनस वन का वो एक परफेक्ट नेगेटिव को शो करता है ठीक है जो को रिलेशन है वो कॉन्स्टेंट होता है दो वेरिएबल के कंपेरिजन में और जो वेरिएंस का साइन होता है वो उसके कोअफिशेंट के साइन के इक्वल होगा अगर कोफिशियंट माइनस है तो वेरिएंस भी माइनस ही होगा ठीक है नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर टू कि है डिफाइंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन राइट इट प्रॉपर्टीज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज अ टाइप ऑफ कंटिन्यूस प्रबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन विच मोस्ट डाटा पॉइंट्स क्लस्टर टूवर्ड्स द मिडल ऑफ द रेंज वाइल द रेस्ट टेपर ऑफ सिमेट्रिकली टूवर्ड्स अदर एक्सट्रीम द मिडिल ऑफ द रेंज इज़ ऑल्सो नोन एज द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टीज अगर देखें हम लोग इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन द मीन इज जीरो एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन इज इट हैज जीरो स्क्यू एंड कुटोसिस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आर सिमेट्रिकल बट नॉट ऑल सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन मैनीचुरली अकरिंग फिनोमिना टेन टू अप्रोक्सीमेट द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है तो ये एक कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का टाइप होता है ठीक है जिसमें जो डाटा पॉइंट हैं वो डाउनवर्ड क्लस्टर्ड होते हैं और जो रेस्ट है वो टेपर्ड होता है सिमेट्रिकली ठीक है जो मिडल होता है रेंज वो उसकी मीन डिस्ट्रीब्यूशन को शो करता है प्रॉपर्टीज़ की जब हम लोग बात करें तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन है वो जीरो होता है ठीक है उसमें जीरो स्क्यू एर कोटोसिस होता है जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिकल होता है लेकिन जितने सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होते हैं ठीक है ठेके? जितने भी जो नेचुरली ऑकरिंग फिनमिना हैं वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अप्रोक्सीमेट होते हैं ठीक है ठेके? ये इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड जो कि है डिफाइन जाइ स्क्वायर टेस्ट एंड इट्स यर्स करेक्शन ज़ाइ स्क्वायर टेस्ट क्या होते हैं और यड्स करेक्शन क्या होता है तो जाइ स्क्वायर टेस्ट क्या होता है ये हमने पहले भी देखा है हमको इस क्वेश्चन में मेनली देखना है कि यड्स करेक्शन क्या है सो देखते हैं द काई स्क्वायर गुडनेस ऑफ फिट इज अ अटेटिकल हैपोथेसिस टेस्ट यूज टू डिटरमाइन वेरिएबल इज लाइकली टू कम फ्राम अ स्पेसिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन और नॉट इट इज ओफन यूज टू एवेल वैम्पल डेटा इज रिप्रजेंटेटिव ऑफ द फुल पॉपुलेशन काई स्क्वायर टेस्ट क्या होता है कि ये एक स्टेटिकल हाइपोथेसिस है जिससे हम लोग जो वेरिएबल है वो स्पेसिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन को डिटरमाइन कर सकता है कि नहीं इसको हम लोग क्या करते हैं इवेलुएट करने के लिए यूज़ होते हैं और इसका यूज़ क्या है तो हम लोग जो सैम्प डाटा सैम्पल है हमारे पास वो पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं उसके लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं और येट्स करेक्शन क्या है टू रेडियोज द एर इन अप्रोक्सीमेशन फ्रेंक येट एंड इंग्लिश स्टडिशियन सजेस्ट अल करेक्शन फॉर कंटिन्यूटी दैट एडजस्ट द फॉर्मूला फॉर पर्सनस का इज स्क्वास्ट वैक्टिंग जीरो पॉइंट फाइव फ्रॉम द डिफ्रेंस बिटवीन ईच ऑब्जर्व वैल्यू एंड इज एक्सपेक्टेड वैल्यू इन अ टू इंटू टू कॉन्टिजेंसी टेबल येट्स काेक्शन क्या होता है जो भी एरर आते हैं है ना जब हम लोग किसी भी चीज़ का अप्रोक्सीमेशन करते हैं तो उनमें जो एरर आता है उसको मिनिमाइज़ करने के लिए जो फ्रैंक येट थे ये एक इंग्लिश स्टेटिशियन थे इन्होंने एक कंटिन्यूटी करेक्शन दिया था ठीक है ताकि हम लोग क्या सकते कर सकते हैं हम जो एरर है उसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं ठीक है नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर फोर्थ जो कि है डिफाइन रिग्रेशन कॉफिशियन स्टेट द प्रॉपर्टी ऑफ रिग्रेशन कोफिशियंट सॉरी रिग्रेशन कोफ़िशियट क्या होते हैं और इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं तो देखते हैं द रिग्रेशन कोफिशियंट स्टैटिकल मेजर विच इज़ यूज टू मेजर द एवरेज फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स इन अ रिग्रेशन एनालिसिस वन वेरिएबल इज डिपेंडेंट एंड अदर इज इनडिपेंडेंट ऑल्सो इट मेजर्स द डिग्री ऑफ डिपेंडेंस ऑफ वन वेरिएबल ऑन द अदर्स रिग्रेशन कोफिशियन क्या है तो ये स्टैटिकल मेज़र है है ना जिसमें हम लोग जो एवरेज फंक्शनल रिलेशनशिप होता है वेरिएबल्स के बीच में उसको मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं और एक रिग्रेशन एनालिसिस में जो एक वेरिएबल होता है वो दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड नहीं होता है मतलब कि इंडिपेंडेंट होता है एक डिपेंडेंट होगा एक इंडिपेंडेंट होगा ठीक है और डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस सॉरी जो डिग्री ऑफ डिपेंडेंस होता है उसको भी ये मेज़र करता है जब हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ की तो क्या है कि जो को रिलेशन कोफिशियंट नॉट बी ग्रेटर दैन वन एज अ रिजल्ट वैन वन रिग्रेशन कोफिशियन एक्सीड्स यूनिटी द अदर शुड लेस दैन यूनिटी बोथ रिग्रेशन कोफिशियन विल हैव द सेम सिम्बल पॉजिटिव और नेगेटिव जो को रिलेशन कोफिशियट है वो एक से ज़्यादा नहीं हो सकता जब रिजल्ट में अगर रिग्रेशन कोफिशियंट यूनिटी से ज़्यादा है तो जो दूसरा है वो यूनिटी से कम होना चाहिए जो रिग्रेशन कोफिशियंट्स हैं उनका सिंबल सेम होगा या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर फिफ्थ जो कि है डिफाइन मेज़र ऑफ वेरिएशन स्टेट डिफरेंट टाइप ऑफ मेज़र ऑफ डिस्पर्सन विच वन इज़ बेस्ट मेजर ऑफ़ मेज़र ऑफ डिस्पर्सन वाई क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ें आपको पूछी गई हैं जैसे कि सबसे पहले मेज़र ऑफ वेरिएशन पूछा गया है फिर जो डिस्पर्स मेज़र ऑफ डिस्पर्जन की डिफरेंट टाइप्स पूछे गए हैं फिर उन मेज़र्स में से बेस्ट मेज़र कौन सा है और क्यों है ये आपको पूछा गया है सो so, देखते हैं मेजर ऑफ़ वेरिएशन इज द वे टू एक्सट्रैक्ट मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ सेट ऑफ प्रोवाइडेड डाटा वेरिएबिलिटी प्रोवाइड अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट द डाटा

जो डाटा हमको प्रोवाइडेड है उससे मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने का एक तरीका है है ना मेज़र ऑफ वेरिएंस, जो वेरिएबिलिटी होती है ये बहुत सारा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है उस डाटा के बारे में जैसे कि कितना मतलब कितने आइटम से वो डाटा रिलेटेड है है ना एक दूसरे से कितना इंटरफेयर interfere, इंटरफेरेंस है जो सेंटर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है उनमें कितना डिस्टेंस है जो डाटा का स्प्रेड है उसको उनमें रेंज इंटरक्वाइटाइल रेंज स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस इन सब को भी क्या करता है इंक्लूड करता है फिर जो बेस्ट मेज़र है वो क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन है ठीक है और स्टैंडर्ड डेविएशन क्यों है इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेज़र ऑफ डिस्पर्सन इट इज़ मेजर ऑफ़ स्प्रेड ऑफ़ डाटा अबाउट द मीन स्टैंडर्ड डेविएशन इज द स्क्वायर रूट ऑफ़ ऑफ़ सम स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम द मीन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो ये बेस्ट क्यों है क्योंकि ये जो उस मीन की डाटा कितनी स्प्रेड होती हो उसको मेजर करता है ये जो स्टैंडर्ड uh, डेविएशन है इसके स्क्वायर रूट का सम होता है ठीक है फिर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सिक्स जो कि है एक्सप्लेन द प्रोसीजर फॉर ऑबटेनिंग वेरियस अजम्प्शन ऑफ स्क्वायर इन रेंडमाइज्ड ब्लॉक डिज़ाइन राइट अनोवा टेबल फॉर टू वे क्लासिफिकेशन जो एक रेंडमाइज्ड ब्लॉक डिज़ाइन में वेरियस अजम्पन होते हैं उनकी क्या प्रोसीजर होती है उसको हमको बताना है और एक एनोवा टेबल दो वे क्लासिफिकेशन के लिए आपको लिखना है तो प्रोसीजर देखते हैं अ रेंडमाइज्ड ब्लॉक डिज़ाइन इज एन एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन वेयर द एक्सपेरिमेंटलिट्स आर इन ग्रूप कॉल्ड ब्लॉक्स द ट्रीटमेंट आर रेंडमली एलोकेटेड टू द एक्सपेरिमेंटल ईच ब्लॉक वेन ऑल ट्रीटमेंट अपियर एट लीस्ट वंस इन ईच ब्लॉक वी हैव अ कम्प्लीटली रेंडमाइज्ड ब्लॉक डिज़ाइन तो एक रेंडमाइज्ड ब्लॉक डिज़ाइन क्या होता है ये एक एक्सपेरिमेंटल एक डिज़ाइन है है न इसमें क्या होता है हर एक ब्लॉक में जो ट्रीटमेंट है वो रैंडमली एलोकेट होती हैं और जब ये ट्रीटमेंट अपीयर होने लगती हैं ईच ब्लॉक में तब एक कम्प्लीटली रेंडमाइज ब्लॉक डिज़ाइन हमको मिल जाता है और टू वे क्लासिफिकेशन के लिए एनोवा टेबल यहाँ पे है इसमें क्या करना है आपको कि जो वेरिएंस रेशियो है उसको कंप्यूटेड और क्रिटिकल दोनों लेना है डिग्री ऑफ फ्रीडम इंक्लूड करना है उनके स्क्वायर्स का जो सम है उनका मीन स्क्वायर क्या होगा और जो वेरिएंस का सोर्सेज हैं जैसे कि पीरियड के बीच में कंपोनेंट के बीच में जो एक्सपेरिमेंटल एरर है और टोटल है इन सबको आपको क्या करना है नोवा no, टेबल में इंक्लूड करना है नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर सेवन जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन को करने से पहले <coughs> मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ अगर आपको मेरी वीडियो से आपके एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं बेनिफिट हुआ होगा एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू तो माई चैनल ये आपके सीरीज़ का लास्ट वीडियो है लाइक टू माई वीडियोज़ एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स अगले एग्जाम में मैं फिर से सी ये सीरीज़ आपके लिए स्टार्ट करूँगी कमेंट में प्लीज़ मुझसे शेयर करें कि ये बेनिफिट आपको हुआ इन लेक्चर से या नहीं थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल लास्ट क्वेश्चन है डिफाइन पेयर टी टेस्ट इस टेटेड एंड यूजेस पेयर टी टेस्ट क्या होता है इसकी अज्शन इसमें क्या क्या है और इसके क्या क्या यूज़ हैं तो जो पेयर टी टेस्ट है है ना ये क्या है द पेयर सैम्पल टी टेस्ट समटाइम्स कॉल द डिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट इज द स्टेटिकल प्रोसीजर यूज टू डिटरमाइन वेद आर द मेन डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन इज जीरो इन अ पेयर्ड सैम्पल टी टेस्ट ईच सब्जेक्ट और एंटिटी इज मेजर ट्वाइस रिजल्टिंग इन पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन टू अप्लाई द देड टेस्ट ऑफ फोर्ड डिफरेंस पेयर्ड मेजरमेंट द फॉलोइंग ऑब्जॉप्शन नीड टू बी होल्ड सब्जेक्ट मज बिनिडेंट मेजरमेंट्स फॉर वन सब्जेक्ट डो नॉट अफेक्ट मेजरमेंट्स फॉर एनी अदर सब्जेक्ट ईच ऑफ द पेयर मेजरमेंट मस्ट बी ऑबटेन फ्राम द सेम सब्जेक्ट अ पेयर टी टेस्ट इज यूज वेन वी आर इंटरेस्टेड इन डिफरेंस बिटवीन टू वेरिएबल फॉर द सेम सब्जेक्ट ओ फॉन द टू वेरिएबल आर सेपरेटेड बाई टाइम जो पेयर टी टेस्ट है इसको हम लोग डिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट भी बोलते हैं है ना ये क्या है स्टेटिकल प्रोसीजर है जिसमें ऑब्जर्वेशंस की दो सेट्स की मीन डिफरेंस को मेज़र हम लोग करते हैं एक पेयर टी टेस्ट में जो हर एक सब्जेक्ट होता है वो ट्वाइस मेजर्ड होता है उसके ऑब्जर्वेशन के पेयर से है ना? और इस पे मतलब इस पेयर टी टेस्ट को अप्लाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं बहुत सारे ऑजॉपशंस लेते हैं जैसे कि जो सब्जेक्ट है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए मतलब एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए जो एक सब्जेक्ट के लिए जो मेज़रमेंट है वो दूसरे सब्जेक्ट को अफेक्ट नहीं करना चाहिए और जो हर एक पेयर्ड मेज़रमेंट है वो सेम सब्जेक्ट के लिए ऑब्टेन होना चाहिए फिर इसके यूज़ क्या क्या हैं तो जब हम लोग दो वेरी एक सब्जेक्ट के दो वेरिएबल के बीच में डिफरेंस फाइंड करते हैं तब हम लोग इसका यूज़ करते हैं ठीक है और जो दो वेरिएबल होते हैं वो एक टाइम से सेपरेशन करने के लिए हम लोग उसका यूज़ करते हैं थैंक यू सो मच आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम ये आपके सीरीज़ का लास्ट वीडियो था अभी तक जिन स्टूडेंट्स ने मेरे साथ बने बनाए रखा है उनको थैंक यू सो मच आपने मुझे हेल्प किया इस सीरीज़ में एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फर्दर एग्ज़ाम्स लाइक टू माई वीडियोज़ शेयर टू द चैनल एंड सब्सक्राइब इट Thank you so much.